सीड बायबिलिटी हिंदी में कहते हैं इसे जीवन क्षमता। नाम से समझ में आ रहा है, किसी भी सीड के अंदर जीने की जो क्षमता है, जीने से मतलब हो गया कि अगर वो सीड जर्मिनेट हो पाएगा या नहीं। इट इज़ दी एबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, और कहो तो वी कैन से दैट कैपेसिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट। किसी भी बीज में अंकुरण होने की जो क्षमता है उसी को उसकी जीवन क्षमता कहा जाता है, उसी को सीड बायबिलिटी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो सीड बायबिलिटी को कैसे चेक किया जाए, ये जीवन क्षमता को कैसे चेक किया जाए। मान लो कि आपके पास ये कुछ सीड मटेरियल है, ठीक है भाई, ये कुछ सीड है आपके पास, क्या ये सीड बाइबल है, क्या इस सीड के अंदर जीवन क्षमता है, कैसे पता करोगे। ये सीड तो बोल नहीं सकता, काश के बोल पाता तो कह देता कि हाँ मैं बाइबल हूँ, मेरे अंदर जीने की क्षमता है, आप मुझे इस्तेमाल करो, मैं ग्रो होऊंगा, मैं जर्मिनेट होऊंगा और एक अच्छा प्लांट बनाऊंगा। लेकिन ये बोल नहीं सकता, तो हम पता कैसे करेंगे कि हाँ इस सीड के अंदर बाइबिलिटी है, इस सीड के अंदर जीने की क्षमता है, इसके अंदर जीवन क्षमता है, ये जर्मिनेट हो पाएगा, ये कैसे पता किया जाए। इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम बायोकेमिकल टेस्ट भी कहते हैं, और मोस्ट कॉमन टेस्ट है जिसे टेट्राजोलियम टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। तो वही हमें पढ़ना है, टेट्राजोलियम टेस्ट। क्या कहते हैं इसको, और बायोकेमिकल टेस्ट। अब ये बायोकेमिकल टेस्ट क्यों कहा भाई, सिर्फ केमिकल टेस्ट क्यों नहीं कहा, बायोलॉजिकल टेस्ट क्यों नहीं कहा, ये पूरा कॉम्बिनेशन क्यों बना दिया बायोकेमिकल टेस्ट। देखते जाओ सब समझ में आ जाएगा। तो हमें बात करनी है टेट्राजोलियम टेस्ट की, कि कैसे टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये जो सीड है वो बाइबल है या नहीं है, इस सीड के अंदर बाइबिलिटी है या नहीं है, जीने की क्षमता है या नहीं है, ये सीड जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, हमें पता करना है टेट्राजोलियम टेस्ट से। कैसे पता करोगे, सबसे पहले तो हमें चाहिए सीड। कितना सीड भाई, क्या आपके पास अगर मान लो 10 टन सीड है, तो क्या पूरे सीड को टेस्ट करोगे, नहीं, हमें उसमें से कुछ सैंपल लेना पड़ेगा, रैंडम सैंपल लेना पड़ेगा। रैंडम सैंपल लोगे, कितना लोगे, सैंपल का साइज भी कुछ होना चाहिए, 1 किलो 2 किलो 10 किलो, कितना सीड लोगे। यहाँ पर सैंपल लेना पड़ता है हमें, मान लो कि यही अपना सीड सैंपल है, और सीड सैंपल जो रहता है उसके अंदर 100 से लेकर 200 सीड होते हैं। कितने, 100 से लेकर 200 सीड, और इसके 4 रेप्लिकेशन हमें लेने पड़ते हैं। कितने, 4 रेप्लिकेशन, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, इतना सैंपल हमें लेना है कि इसके 4 रेप्लिकेशन बना सकें। अगर हम 200 सीड ले रहे हैं तो 4 रेप्लिकेशन मतलब 800 सीड हमें लेने पड़ेंगे। अगर हम 100 ही सीड ले रहे हैं तो 4 रेप्लिकेशन के हिसाब से मतलब हमें 400 सीड लेने पड़ेंगे। मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ जो सीड की क्षमता होगी वो कितनी होगी, 400 से लेकर 800 सीड, ये टोटल सीड चाहिए हमको, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, सीड सैंपल क्या रहता है आपका, 100 से लेकर 200 सीड, ये तो टोटल सैंपल, क्योंकि हमें 4 रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमें कितने रेप्लिकेशन चाहिए, 4 रेप्लिकेशन। तो क्वेश्चन आपसे अगर कभी पूछा जाए कि सीड सैंपल कितना लिया जाता है टेट्राजोलियम टेस्ट करने के लिए, तो आपको आंसर देना है 100 से 200 सीड, ये 400 से 800 मत लगा देना। 400 से 800 तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 100 से 200 सीड के हमें 4 सेट बनाने पड़ेंगे, 4 रेप्लिकेशन लेने पड़ेंगे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ सीड 400 से 800 है। ठीक भाई, सीड ले लिया, कितने सीड ले लिए हमने, 400 से 800 सीड ले लिए। अब हमें करना है इसे सोक, मतलब पानी के साथ भिगोना है, ठीक है भाई, 6 से 8 घंटे के लिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। मतलब जो पानी के अंदर आप इसे भिगोगे उस पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस, 6 से 8 घंटे तक भिगोना है। क्या होगा इसकी वजह से भाई, इसकी वजह से जो सीड कोट है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। सीड कोट लूज होने की वजह से क्या होगा, वाटर उस सीड के अंदर चला जाएगा और वो एम्ब्रियो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से एम्ब्रियो एक्टिव हो जाएगा। एम्ब्रियो जो कि डोरमेंसी स्टेज में था वो एक्टिव आ जाएगा, उसके अंदर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी पानी को एब्जॉर्ब करने से, ठीक है भाई।
अब क्या करोगे, सीड 6 से 8 घंटे के बाद ये जो सीड हम लेंगे ना, उस सीड को आप कट करोगे और कुछ इस तरह से कट करोगे कि उसका एम्ब्रियो बाहर एक्सपोज हो जाए, हम उस एम्ब्रियो को देख सकें। जैसे कि मान लो ये एक सीड है, इस तरह से, इस तरह के सीड आपके पास है। इस सीड को कैसे कट करना है आपको, टॉप से आप थोड़ा सा एक स्लोप में इसको कट करोगे, जिसकी वजह से ये सीड कुछ ऐसे नजर आएंगे फिर, ठीक है। तो ये जो पार्ट होगा, ये एक्सपोज्ड पार्ट होगा एम्ब्रियो का, यहां से एम्ब्रियो साफ नजर आएगा, हमें देख सकते हैं, मतलब इस एम्ब्रियो के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अब केमिकल आ जाएगा, ठीक है भाई। ये हमारा सीड कट कर लिए, अब इसके 4 सैंपल बना दो। ये बना दिए हमने इसके 4 रेप्लिकेशन, और चारों रेप्लिकेशन में कितने सीड रखे हमने, 100 से 200 सीड हमने सभी में रख दी, ठीक है भाई। अब क्या करोगे, यहाँ पर ऐड करेंगे हम टेट्राजोलियम सॉल्यूशन। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है 1, 2, 3 सॉरी, इसका पूरा नाम होता है 2-3-4 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, 2-3-4 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। कई बार इस क्लोराइड की जगह पर हम ब्रोमाइड का भी यूज कर सकते हैं। ये इसका केमिकल नेम है, ये पाउडर फॉर्म में आता है मार्केट में, इसका पाउडर आप लोगे, ये देखने में होता है कलरलेस, या फिर कहो बिल्कुल लाइट येलो कलर का होता है, एकदम कलरलेस ही बोलो इसको। ये कैसा होता है, पाउडर कलरलेस होता है। हमें बनाना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन, और कितना परसेंट सॉल्यूशन बनाना है, 1% सॉल्यूशन बनाना है। अब सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप देख लेना कहीं से भी कैसे भी, बड़ा आसान है सॉल्यूशन बनाना। तो 1% सॉल्यूशन बनाया जाता है टेट्राजोलियम सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं, वो टेट्राजोलियम सॉल्यूशन हम इन सभी के अंदर डाल देंगे भाई। ये क्या चीज़ है, ये पेट्री डिश है, ये सारा एक्सपेरिमेंट हम किस में करेंगे, पेट्री डिश में। 4 सैंपल लिए, चारों सैंपल में हमने टेट्राजोलियम सॉल्यूशन हमने डाल दिया। अब क्या होगा, इन चारों सैंपल को 3 से 6 घंटे तक के लिए हम छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ोगे, एक अंधेरे कमरे में, डार्क प्लेस में, जहाँ पर रोशनी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, डार्क प्लेस होनी चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद 6 घंटे बाद, 3 से 6 घंटे बाद क्या करोगे, इसमें से जो सॉल्यूशन है उसको रिमूव कर दोगे, रिमूव द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को रिमूव करने के बाद जो सीड होगा उसको पानी के साथ धो लोगे, वॉश विद वाटर। अब क्या करोगे, अब देखोगे आप कलर कि किस सीड में कलर चेंज हुआ है। अगर इन चारों सैंपल के अंदर आपको रेड कलर के सीड नज़र आ जाएं, कौन से कलर के, रेड कलर के सीड, तो जितने भी सीड रेड कलर के होंगे, भाई कितने सैंपल लिए थे अपने, 100 से 200 इतने लिए थे, तो इन 100 से लेकर 200 सीड में कितने सीड रेड कलर के हैं वो आपको काउंट करने हैं, ठीक है। ये जो रेड कलर के सीड है ना, यही है आपके बायबल सीड, जीवित सीड, यही सीड कैसे हैं आपके, जीवित हैं। और जो सीड आपके नॉन कलर वाले हैं, जिनके पास कोई कलर नहीं आया है, ये सीड कैसे हैं आपके, डेड, मरे हुए, ठीक है। ये हो गया टेट्राजोलियम टेस्ट, जिससे हमने पता लगा लिया कि कौन सा सीड बाइबल है और कौन सा सीड बाइबल नहीं है, किसके अंदर जीने की क्षमता है और किसके अंदर जीने की क्षमता नहीं है। इसका परसेंटेज निकाल सकते हो ना आप, इसका परसेंटेज निकालो भाई। परसेंटेज कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ रेड कलर सीड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सीड, यहाँ से आप परसेंटेज निकाल लो कि भाई कितनी प्रतिशत इसके अंदर बायबिलिटी है। मान लो हमने यहाँ 100 सीड लिए, 100 में से मान लो कि आपके यहाँ पर 80 सीड जो है वो बाइबल आ गए, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 × 100 कितना हो गया, 80%, मतलब 80% बायबिलिटी इसके अंदर है। मतलब जो सीड हम यूज़ करने वाले हैं, अगर उसको हम सोइंग करें तो 100 में से 80 सीड में से जर्मिनेशन हो जाएगा। ये तो पता कर लिया हमने कि सीड बायबिलिटी
किस सीड के अंदर है, जीवन क्षमता किस सीड में है। ये तो प्रैक्टिकली बात हो गई। अब समझने वाली बात तो ये है कि ये काम कैसे किया, ये रेड कलर आया क्यों। पॉइंट ये है, इसको समझो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि आखिर ये रेड कलर क्यों आया, क्या इसकी वजह थी। क्या होता है भाई, देखो ये जो 2,3-4-triphenyl टेट्राजोलियम क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड सॉल्यूशन है, ये हमेशा रिएक्ट कर सकता है आपके हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इसका रिडक्शन हो सकता है। तो होता क्या है वो देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, इस सीड सैंपल को पानी के साथ सोक किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो सीड कोट जो है वो लूज हो गया और यहाँ पर जो एम्ब्रियो था वो एक्टिव हो गया। एम्ब्रियो एक्टिव हो गया मतलब इसको अब एटीपी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एटीपी मतलब इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये एटीपी, ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगा, रेस्पायरेशन से आएगा, ठीक। और ये रेस्पायरेशन में एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है डीहाइड्रोजनेस। ये डीहाइड्रोजनेस क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो जब ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ये हाइड्रोजन जाके रिएक्ट करेगी इस 2,3,4-triphenyl टेट्राजोलियम क्लोराइड से, और ये बदल जाएगा किसमें, फॉर्माजन के अंदर। ये बदल जाएगा किसमें, फॉर्माजन। ये फॉर्माजन आपका नॉन सॉल्युबल कंपाउंड है, ये पानी में घुलता नहीं है, और इस फॉर्माजन की जो कलर है वो होता है रेड। तो यहाँ पर जो हम रेड कलर देख रहे हैं ना, वो इसी की वजह से है, फॉर्माजन की वजह से। यहीं से क्वेश्चन आता है कि टेट्राजोलियम क्लोराइड में जो रेड कलर आता है वो किसकी वजह से है, फॉर्माजन की वजह से। और कौन सा एंजाइम यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है, तो वो एंजाइम है डीहाइड्रोजनेस। और जिस प्रोसेस में एंजाइम रेस्पॉन्सिबल एंजाइम काम करते हैं उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन। यहाँ पर केमिकल काम कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पर बायोलॉजिकल रिएक्शन भी हो रही है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी हो रही है, इसलिए इसको नाम दिया गया है क्या, बायोकेमिकल टेस्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर फॉर्माजन बना जिसकी वजह से ये रेड कलर आ गया, ठीक। ये जो आपका टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि ये टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट किस वैज्ञानिक ने दिया था। ये दिया था एक वैज्ञानिक है लेकॉन, जिन्होंने 1942 में इस टेस्ट को दिया था, इस टेस्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया था। इसलिए इस टेस्ट के ऊपर, वैज्ञानिक का क्वेश्चन के ऊपर नाम आता है इस वैज्ञानिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेट्राजोलियम टेस्ट किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो वैज्ञानिक है लेकॉन 1942 में। और ये जो टेस्ट है वो सभी फील्ड क्रॉप के लिए होता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल फील्ड क्रॉप। कोई भी फील्ड क्रॉप हो सब पर ये टेस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपना टेट्राजोलियम क्लोराइड, और साथ ही साथ हमने डिस्कशन कर लिया किसका, सीड बायबिलिटी का भी।